आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं प्रेस क्लब जम्मू में मौजूद हूं और जिस तरह से घाटी में आतंकियों द्वारा नापाक हरकत को अंजाम देने की बार बार कोशिश की जा रही है, आज उसी को लेकर जो है यहां पर बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और पाकिस्तान का पुतला भी जो है यहाँ पर फूका जा रहा था। और इस समय आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और अपना रोष प्रदर्शन जो है यहाँ पर कर रहे हैं और आतंकियों को सजा दिलाने की मांग भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। सरकार का काम है सुरक्षा मुहैया करवाना और श्रेन मोड का काम है यात्रा को सुचारू रूप से चलाना, तो सुरक्षा जो है वो सरकार के हाथ में, चाहे वो यूटी सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, हम जो यात्री यहाँ पर आएंगे हम उनकी सुरक्षा जो है पुख्ता इंतजाम चाहते हैं उनके। वीडियो में जो नदीम चौधरी है जो कमांडर है जेकेएफएफ के, वो कह रहे हैं कि अब ये हमले रुकने नहीं वाले हैं, बढ़ोतरी होगी। अरे ये आतंकी संगठन डरे हुए हैं, ये अपनी पब्लिसिटी के लिए, लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए इस प्रकार के जो है वीडियो वायरल कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं वीडियो वायरल हुए कभी, लेकिन ये लोगों को पता है कि अब हमारी आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस चुन चुन कर इनको निशाना बना रही है, तो इसलिए अब ये डर चुके हैं, लोगों के अंदर खौफ पैदा करके अपनी हुकूमत करना चाहते हैं और ये सब पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। हम केंद्र सरकार, सर भारत सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि आतंकियों पर शिकंजा कसा जाए। देखिए लगातार हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय को ही टारगेट जो है वो कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। ये लोग नहीं चाहते कि हिंदू समाज वहाँ पर काम करे, हिंदू समाज वहाँ पर आके बसे, चाहे वो कश्मीरी हो, सिख हो या कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का हो, वो कोई नहीं चाहते कि वो वहाँ पर आए। ये लोग जो हैं इस प्रकार का डर पैदा करके वहाँ पे हिंदू वहीन कश्मीर को करना चाहते हैं, जो 1990 में इन्होंने किया। लेकिन अब जो लोग हैं वो लोग अब मानने वाले नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी समुदाय, ज्यादा से ज्यादा हिंदू समुदाय ज्यादा से ज्यादा कश्मीर की ओर रुख करेगा। 370 और 35 इसीलिए हटा है कि कश्मीर के अंदर हिंदू जो है वो ज्यादा से ज्यादा बसे और पूरी कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा कश्मीर के अंदर हिंदू जो है वो वहां पर अपनी रिहायश बनाए और वहां पर जाकर काम करे। तो ये मुंह तोड़ जवाब है, जवाब जो है इन आतंकवादी संगठनों को होगा। साफ तौर से बजरंग दल का ये कहना था कि जम्मू के लोग जो है वो चुप नहीं बैठे, क्योंकि लगातार सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, उसको लेकर प्रशासन को भी कड़े कदम उठाने होंगे ताकि इस पर रोक लग सके। अब देखना यह कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर क्या बड़े कदम उठाती है, आने वाला वक्त बताएगा। आपसे देखते रहे यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।